आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो अब काफ़ी क्वेश्चंस तो आप कर चुके हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, आपको बोला है कॉस ऑफ 2x ओवर साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब न्यूमरेटर में देखिए कॉस 2x है, नाउ इस 2x के लिए आइडेंटिटी देखिए, कॉस 2x के हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एक है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीन फॉर्मूले, अब मुझे यहाँ पे ना जज करना है कि मैं तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। नाउ इनिशियली लाइक अगर हम ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर जजमेंट मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट आई विल डू, मैं वन बाय वन एक एक फॉर्मूला डाल के देखूंगा कहाँ पे मेरी बात बन रही है। मान लीजिए मैं 2 cos square x माइनस 1 डालता हूं, तो देखिए जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो 2 cos square x नीचे मिल जाएगा sin square x cos square x माइनस 1 मिल जाएगा, नीचे मुझे मिल जाएगा sin square x और cos square x। यहाँ पे क्या हुआ, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर, चलो वो 2 कॉस एक्स स्क्वायर बन गया, बट यहाँ पे मैं बैक टू स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नीचे मुझे अभी भी प्रोडक्ट में मिल रहा है और मेरा जो एम था ये जो कोशेंट और प्रोडक्ट है मेरे को इसको एनी हाउ हटाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में मेरे पास कोशेंट रूल प्रोडक्ट रूल अभी नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ठीक है ना। तो क्या किया जाए, ऑब्वियसली ये जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ये फॉर्मूला तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इससे बात बनी नहीं। सिमिलरली जब हम ये डालेंगे तो इसमें भी देखो साइन तो कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन कॉस फिर बचेगा ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी रिजेक्ट हो गया। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यही बचा हमारे पास, इसको पुट करके देखते हैं। तो जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जितने भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज है वो वन बाय वन हम ट्राई करते जाएं अंटिल मैं उस ऐसे फॉर्मूले पे पहुंचू जहां पे मेरा रिजल्ट आ जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे कौन सा फॉर्मूला है। जैसे यहां पे क्या लगेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डीएक्स हमें लिखना है और नीचे है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। अब जब मैं इसे स्प्लिट करता हूं, दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर विथ डी एक्स, बीच में माइनस का साइन है, सो आई विल राइट साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। अब देखिए कॉस एंड कॉस गेट्स कैंसल्ड, साइन एंड साइन गेट्स कैंसल्ड, ये मुझे मिल गया। क्या किया जाए अब आगे, वन अपॉन साइन कोसेक, सो दिस बिकम्स बीच में माइनस साइन। Now what is 1 upon cos? 1 upon cos is secant. ये मिल गया। अब क्या मुझे इनके फॉर्मूले मालूम है? बिल्कुल मालूम है। cosec square जो है वो minus cot होता है। ठीक है? cosec square का integral negative cot x minus का sin, sec का integral tan x, सारा इंटीग्रेशन हो चुका है तो हम एक प्लस सी जरूर लिखेंगे। सो दिस वाज द आंसर, ठीक है ना, ये आपने देखा। नाउ हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के, या तो हमने
स्प्लिट किया है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमने अभी तक ज्यादातर देखे हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और देते हैं। ये दिया हुआ। अब है ना, कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, स्प्लिट करके देख लेते हैं। देखिए इसमें आपके पास दो तीन, जैसे एक स्प्लिट करके देख लीजिए, कोई आइडेंटिटी लग रही है तो लगा लीजिए। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी तो समझ में आ नहीं रही है, तो हम स्प्लिट करते हैं, टू अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, दूसरा हमें मिल गया 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये तो हमने लिख लिया। नाउ द कांस्टेंट इट गोज आउट, कांस्टेंट बाहर ले लिया, टू रिमेन्स एज इट इज, वन ओवर साइन इज ठीक है, प्लस का साइन। अब देखिए यहां पे कॉस अपॉन साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज और इस कॉस में मैं इंटू वन लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कॉस इंटू वन इज कॉस। नाउ व्हाट इज कॉस अपॉन साइन, व्हाट इज वन अपॉन साइन, तो ये कॉट और कोसेक, जिसको मैं कोसेक कॉट भी लिख सकता हूं, राइट, कॉसेक कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखूं या कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, है ना, ए इंटू बी लिखो, बी इंटू ए लिखो, डजंट मैटर। अब कोसेक स्क्वायर्ड है ना, कॉट का है ना, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है नेगेटिव कॉट, बाहर 2 पहले से है, 3 पहले से है, कोसेक कॉट का इंटीग्रल नेगेटिव कोसेक एक्स, सारे इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, प्लस सी लगा देंगे, माइनस साइन हम बाहर ले सकते हैं, एंड आई विल हैव माय आंसर। ठीक है, अब ये देखा आपने, इसमें हमने कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगाई, हमने सिर्फ स्प्लिट कर दिया और हमारा काम हो गया, है ना। तो बहुत इजीली आपने देखा कि स्प्लिट किया या तो कोई हमने आइडेंटिटी ढूंढ के लगा दी। अब मैं और एक क्वेश्चन इसमें मैं बताना चाहूंगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एवेल्युएट आपको बोला है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला है कि मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए नीचे जो है डिनोमिनेटर, उसमें मेरे पास x और अल्फा है, जबकि न्यूमरेटर में मेरे पास 2x एंड 2 अल्फा है। अब cos 2x अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें cos 2x में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि नीचे अगर मेरे पास ये cos में है तो मैं ऊपर cos के फॉर्म में ही लाना चाहूंगा। तो cos 2x को मैंने लिख लिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बीच में नेगेटिव का साइन मैंने माइनस लिख लिया, cos 2 अल्फा बिकम्स 2 cos स्क्वायर्ड अल्फा माइनस 1, दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस साइन। अब देखिए ये माइनस साइन, जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा सबके साइन चेंज होंगे, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर्ड अल्फा माइनस माइनस प्लस
वन, इतना लिख लिया। अब देखिए दिस वन एंड दिस वन गेट्स कैंसल्ड, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए तो मेरे पास बच गया टू कॉस स्क्वायर अल्फा, कैंसल हो गया माइनस, सॉरी दिस इज नॉट अल्फा दिस इज एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा है। अब देखिए यहां पे दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है टू न्यूमरेटर में, तो मैं दोनों का टू कॉमन ले लेता हूं। उस टू को मैं यहां लिखूं या यहां लिखूं बात एक ही है ना, मैं यहां पे टू कॉमन लिखूं या यहां पे लिखूं एक ही बात है ना। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मुझे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ मैं अगर इस कॉस एक्स को ए मानता हूं और कॉस अल्फा को बी मानता हूं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ अल्फा, और यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन अब देखिए कॉस एक्स कॉस अल्फा कॉस एक्स कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, मेरे पास क्या बच गया ट्वाइस सॉरी ये आ गया सेपरेट है ना, तो हो जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, टू इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा डीएक्स। आगे देखिए अब यहां पे दिस बिकम्स टू, कॉस का इंटीग्रल है साइन एक्स, बीच में प्लस का साइन, तो मैंने प्लस लिख लिया टू लिख लिया। अब यहां पे लास्ट में लोगों से गलती क्या होती है कि कॉस एक्स को अगर हमने साइन एक्स लिखा तो कॉस अल्फा को क्या लिखते हैं साइन अल्फा लिख देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं और बोलते हैं हमारा आंसर। ठीक है देखिए अगर यहां पे मैंने डी एक्स लिखा हुआ है तो जरूरी है कि मैं एक्स में ही फॉर्मूला लगा सकता हूं, मोरोवर ये जो अल्फा है दिस अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो क्योंकि इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन जो हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स है ना, अल्फा कैन नॉट बी वेरिएबल, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ये कॉस अल्फा क्या होगा इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली ये मुझे क्या मिला टू कॉस अल्फा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, वो मुझे सिंपली एक्स मिलेगा, तो दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स विच कैन बी रिटन एज एक्स को हम हमेशा पहले लिखेंगे ये हमारा आंसर होगा। तो इस बात का हमें एन नॉट साइन अल्फा दिस इज दिस विल रिमेन एज कॉस अल्फा, ये तो यहां कॉस अल्फा था ना वो तो मैं आपको बता रहा था। ठीक है तो ध्यान रखना कि जो कॉस अल्फा है उसको साइन अल्फा नहीं बनाएंगे, कॉस अल्फा ही रहेगा। हाँ एक्स होता तब हम उसको चेंज करते, अल्फा है तो आई विल नॉट चेंज इट, ठीक है ना। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। आगे देखिए अब ये तो आपने देखा आइडेंटिटी लगाने वाले, आगे कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूं। आपको बोला वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स,
अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है क्योंकि ये x है। अच्छा 2x होता तो लग जाती, अच्छा इसमें लगाएंगे तो फिर ये x जो है चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर, अब x है तो ये x बाय 2 हो जाएगा यानी हाफ x, तो मेरा वेरिएबल जो है x बाय 2 हो गया, चेंज हो गया, है ना। मुझे वेरिएबल को तो चेंज करना नहीं है, है ना, वेरिएबल चेंज वाला। हालांकि ऐसे भी हो सकता है, ये हम आगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में समझेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ये नहीं कर सकता, है ना, मुझे x को x ही रखना है, तब मैं क्या करूं। अब देखिए स्प्लिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर प्लस होता और नीचे होता कुछ, इसको तो मैं स्प्लिट कर लेता, लेकिन अगर नीचे मेरे को सम मिल रहा है तो मैं इसको तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन द गुड थिंग इज यहाँ पे मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ विच इज रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान रखना, एक तो हम आइडेंटिटी लगा के ट्राई कर लें, स्प्लिट करके ट्राई कर लें लाइक जैसे एल्जेब्रा में करते हैं अलग अलग, ठीक है। तीसरा हम रैशनलाइजेशन ट्राई कर लें, है ना। रैशनलाइजेशन इसका जो कॉन्जुगेट है उससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं। नाउ दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग एज इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन स्क्वायर इज वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेंथ क्लास, आइडेंटिटी, क्लास टेंथ में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे आगे, ये लिख लिया हमने, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। वन अपॉन साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर वन अपॉन साइन इज कॉस अपॉन साइन स्क्वायर्ड है, तो उसको अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में समझा भी था, मैं फिर से बता देता हूं। मैं कॉस अपॉन साइन इंटू साइन लिख सकता हूं, कॉस इंटू वन लिख लीजिए, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, वन अपॉन साइन हो गया ठीक है। नाउ कॉस एक्स स्क्वायर नेगेटिव कॉट एक्स, और कॉस एक्स कॉट हो जाएगा, देखिए ऑलरेडी माइनस है, ठीक है ना, ऑलरेडी माइनस है, और कॉस एक्स कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे देखिए आपको अगर बोला है साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, अगेन देखिए इसमें मैं कुछ कर तो सकता नहीं, तो एक काम करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। वन प्लस साइन एक्स है तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ठीक है, हमने क्या किया इसको रैशनलाइज कर दिया। अब देखिए रैशनलाइज करने के बाद
हमें क्या मिलता है। नाउ न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वन प्लस साइन वन माइनस साइन इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब देखिए अब स्प्लिट तो कर नहीं सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक काम करते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, पहले भी कर सकते थे, पहले हमने वैसे ही छोड़ा कि हाँ कुछ कैंसिल होना हो तो हो जाए, तो ऐसा तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन इंटू वन इज साइन, साइन इंटू साइन बिकम साइन स्क्वायर्ड, ठीक है ना, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये तो टेंथ में हमने पढ़ा आइडेंटिटी। आगे देखिए स्प्लिट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर कैन बी रिटन एज साइन एक्स, कॉस स्क्वायर को हम कॉस इंटू कॉस लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू वन लिख लेते हैं, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया टैन, वन अपॉन कॉस क्या बन गया, ठीक है। तो इसको टैन एक्स इंटू सेक एक्स या फिर सेक एक्स इंटू टैन एक्स ऐसे लिख लीजिए। माइनस साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट टेन, ये मिल गया हमें। आगे क्या करना है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए sec sec x tan x dx, ये मुझे क्या मिल जाएगा sec x, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे आ गई क्योंकि टेन स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई तो कर सकता हूं क्योंकि टेन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये बात हमने समझी हुई है, ये क्वेश्चन भी हमने पीछे किया है। अब जैसे जैसे आगे करते जाएंगे, अब देखिए पीछे हमने एक ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया था, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें ये क्वेश्चन मिला, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे बहुत होता है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। फर्दर अब देखिए मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन प्लस सी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यहां पे इंटीग्रेशन सिंबल अभी भी है, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, ये हो जाएगा टैन, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस वन के साथ एक्स आ जाएगा, प्लस सी तो हमें लिखना ही है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आपको बोला है अब देखिए इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है ना। पीछे तो हमने क्या किया था, रैशनलाइज कर दिया था, पहली चॉइस है कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूं सीधा सीधा, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं sec को 1 अपॉन cos लिख लूं, sec को 1 अपॉन cos लिख लूं, tan को sin अपॉन cos लिख लूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos, नीचे आ जाएगा वन प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसल, बचेगा मेरे पास
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वापस मुझे रैशनलाइज ही करना पड़ेगा, तो मैं रैशनलाइज कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं यहीं पे रैशनलाइज कर दूँ, ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने रैशनलाइज किया, ठीक है, तो भी मेरे को आंसर मिलना है। और अगर मैं यहीं पे डायरेक्टली रैशनलाइज कर दूँ तो भी मुझे आंसर मिलेगा, देखते हैं कैसे। मैंने इसके कॉन्जुगेट यानी कि sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, अब देखिए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पीछे हम क्वेश्चन में देखिए, पीछे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, sec इंटू sec, sec स्क्वायर्ड x, sec इंटू tan। तो अब देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना, बाद में हमें समझ में आया कि मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, वो जो मैंने वहां एक्सपीरियंस गेन किया उस एक्सपीरियंस को यहाँ यूज किया कि यहाँ पे अब मैं पहले से मल्टीप्लाई करके रख ले रहा हूँ, है ना। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आइडिया लगते जाएगा मुझे क्या करना है। नाउ दिस इज व्हाट ए प्लस बी ए माइनस बी, सो sec स्क्वायर्ड x माइनस tan स्क्वायर्ड x। अब देखिए ये कितना होगा, नाउ टेंथ क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब मैं अगर tan को यहां शिफ्ट करता हूं तो मुझे मिल जाता है sec माइनस tan इज इक्वल टू वन, sec स्क्वायर्ड x माइनस tan स्क्वायर्ड x इज वन। तो ये डिनोमिनेटर मुझे क्या मिल गया, ये डिनोमिनेटर मुझे वन मिल गया, दैट मीन्स ये वन है। अब वन नीचे लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। अब मैं इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको अलग इंटीग्रेट करूंगा, sec स्क्वायर है तो फॉर्मूला बन जाएगा tan, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करने के लिए क्या है, क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करो और साथ में वो शीट रखो, है ना, रटने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जहां आपने 10-12 किए फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन माइनस, नाउ sec tan साथ में हो तो हम sec x लिखते हैं, सारा इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो प्लस सी लिखना पड़ेगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपने देखा द रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब हमें मिलती हैं और उसको इंटीग्रेट करना है तो रैशनलाइज अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, ये आपने देखा। तो आप रैशनलाइजेशन देख चुके हो, स्प्लिटिंग देख चुके हो, आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन देख चुके हो। अब आगे आगे आपको बताते हैं, नाउ दिस इज समवॉट डिफरेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, नाउ देखिए 6 है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, पावर में 6 होगा, पावर में 8 होगा, तो मुझे यहां पे देखिए जो 6 है इसको मैं साइन स्क्वायर होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूं, बीच में प्लस का साइन, कॉस 6 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर होल क्यूब, बिकॉज 3 × 2 = 6, है ना, हमने एलजेब्रा में पढ़ा हुआ है ए पावर एम होल पावर एन इज नथिंग बट ए पावर एम टाइम्स एन, यानी 3 × 2 = 6, ये मुझे वापस वही मिलेगा। तो न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एलजेब्रा में हमने दूसरी चीज पढ़ी है ए क्यूब एंड बी क्यूब इज ऑलवेज ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए तो इस साइन स्क्वायर को मैंने ए एज्यूम कर लिया, कॉस स्क्वायर को मैंने बी एज्यूम कर लिया, तो ए प्लस बी यानी क्योंकि ए की जगह साइन स्क्वायर है बी की जगह कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ठीक है, विच इज साइन स्क्वायर होल स्क्वायर यानी साइन पावर फोर, लिख सकते हैं ऐसा। ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट कॉस पावर फोर। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन, तो इसको हम हटा देते हैं, वन इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, साइन फोर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस फोर, है ना, बीच में माइनस का साइन। तो हम इस आइडेंटिटी को यहां पे लगाएंगे, है ना, इसको हम यहां पे लगा लेंगे, क्या मिल गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए स्प्लिट यहां पे यहां पे यहां पे, साइन फोर को मैं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, ठीक है ना, एक ही बात है, तो यहां पे क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पे ऊपर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डीएक्स, सारा कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर हटा के इसको सीधा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, यहां पे ये सारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे इसको वन या खाली डीएक्स लिख लेते हैं, वन इंटू डीएक्स इज डीएक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन, आगे प्लस का साइन, मैंने इतना और इतना कर दिया, प्लस कॉस फोर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, अगेन इस कॉस फोर को मैं कॉस स्क्वायर जब लिखूंगा, कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर कॉस स्क्वायर बचेगा, साइन अपॉन कॉस इज टेन, टेन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है ना, अब देखो मुझे ये वही क्वेश्चन मिल गया, टेन स्क्वायर वाला, कॉस अपॉन साइन, ये मुझे कॉट स्क्वायर मिल गया, क्या कर सकते हैं आगे सॉल्व करते हैं, टेन को सेक स्क्वायर्ड माइनस वन लिख लेते हैं, तो इसको मैं लिख लूंगा sec स्क्वायर x माइनस वन, इंटीग्रल dx को मैं सीधे सीधे x लिख लेता हूं, cot स्क्वायर को लिख लेता हूं, अब देखिए sec स्क्वायर बन जाएगा tan, माइनस वन बन जाएगा माइनस x पहले से है, cosec बन जाएगा माइनस cot, माइनस वन बन जाएगा माइनस एक्स, ये भी एक्स है ये भी एक्स है ये भी एक्स है, क्या बन गया ये, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये तो आपने समझा, नाउ दिस वाज नॉट द ओनली मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे क्या किया, अब मैंने अभी इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड बी स्क्वायर, और इससे मैंने अभी रिजल्ट निकाला। आप चाहते, अब मुझे मालूम है ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ये होता है, इससे मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूं, कैसे, मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं,
तो ए प्लस बी होल क्यूब तो है ही मेरे पास, 3ab जब इधर आएगा ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बच गया। अब मैं चाहता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो न्यूमरेटर में मुझे मिला था इस फॉर्मूले के बजाय अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो भी मेरा आंसर आता और वो यही आता, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी अप्रोच फॉलो करो, फॉर्मूले ठीक लगाना, फॉर्मूले अगर आप ठीक लगा रहे हैं आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। अब चलो ये तो आपने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे आपको बोला साइन इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, जहां पे एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, कॉस को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, है ना, ये तो मुझे मालूम है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, ये हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा हुआ है कि मुझे साइन इनवर्स साइन एक्स मिलता है तो मैं उसे एक्स लिखता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन और साइन इनवर्स इसको हटा लूंगा, मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ पाई बाय टू माइनस एक्स बच जाएगा। पाई बाय टू इज अ कॉन्स्टेंट, अब देखिए यहां पे पाई बाय टू तो कांस्टेंट है। अब अगर मैं इंटीग्रेट डीएक्स करता है ना, पाई बाय टू कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेट डीएक्स मुझे क्या मिलता है, एक्स मिलता है, एक्स की पावर वन है तो मैं इसको लिख लूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई होगी, है ना, एक्स पावर वन प्लस वन यानी कि टू, एंड नीचे भी वही नंबर आएगा, प्लस सी हम लिख देंगे, दिस इज माई आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया।